जल संकट को लेकर चिंतित प्रशासन ने सोमवार को बैठक में पानी सहेजने के लिए शहर में टीम का गठन किया। साथ ही रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे ऑफिस सुपरिटेंडेंट प्रमोद साहू से एसडीएम आरपी वर्मा ने कहा, जिस ट्रेन का नागदा स्टॉपेज है सिर्फ उसे ही पानी दें, दूसरी ट्रेनों में किसी भी हाल में पानी नहीं दिया जाए। एसडीएम बोले, ट्रेनों में पानी भरने के बाद वाल्व अच्छे से बंद करें, एक बूंद भी पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बता दें कि दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का नागदा प्रमुख स्टेशन है, ऐसे में यहां रोजाना लगभग ट्रेनों का स्टॉपेज होता है। ऐसे में जिन ट्रेनों को यहां रोजाना स्टॉपेज नहीं है उनमें भी पानी रेलवे यहां से भरता है। एसडीएम ने ग्रेसिम के जल संपर्क अधिकारी संजय व्यास से स्पष्ट किया कि आप कुछ भी करिए, 30 जून तक हमें किसी भी हाल में पानी चाहिए। शहर में पानी बहाने वालों के लिए एसडीएम ने नगर पालिका को सीएमओ सतीश मटनेश्वरे की जिम्मेदारी सौंपी है। एसडीएम ने स्पष्ट किया, जल प्रदाय के समय पानी बहाने वालों पर नगर पालिका के सफाई मेट नजर रखेंगे, जिसकी सूचना वे सीएमओ को इंजीनियर को देंगे, फिर अधिकारी संबंधित पर 250 रुपए का जुर्माना करेंगे। अर्थदंड के बावजूद कोई नहीं मानता है तो दूसरी बार संबंधित का नल कनेक्शन विच्छेद किया जाएगा। नल से पानी की बर्बादी रोकने के लिए एसडीएम ने इंजीनियरों को सरकारी नलों का सर्वे कर स्प्रिंग वाली टोटियां लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह नामदार प्रतिष्ठित व्यक्ति जो गार्डन गाड़ियां धोते हो और रेत धोने वालों पर तहसीलदार और पटवारियों की टीम की नजर रहेगी। शहर का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति गार्डन गाड़ी के अलावा पानी का अपव्यय करेगा तो टीम उस पर नामजद कार्रवाई कर फोटो सहित उसकी जानकारी मीडिया में रिलीज करेगी ताकि अगली बार ऐसा ना करे। साथ ही रेत धोने वालों पर पेयजल परीक्षण अधिनियम की धारा 3 और खनिज अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जल संकट को देखते हुए इस बार एक समय पानी देने पर चर्चा हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण अफसरों से एक समय पानी देने का विचार बदल दिया। अगर आचार संहिता प्रभावशील नहीं होती तो निश्चित रूप से एक समय पानी दिया जाता। जब नल आते तो वो घुसते ही रहता है, ये पूरा ताफी छिन बिल्ला रहा है। कहाँ दे दिए ना वो सब तो मैं कहा आज ही फोटो बता दूँ आपको। अब वो वाल में लोग निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं, हर घर में खोला पड़ा हुआ, हर घर में हमने तो वाल सब लगवा दिए, अब वो लोग निकाल लेते हैं। अरे एक मिल भी लगे मैं आपको मिर्जा जी फोटो ला के एक एक घंटा ले सकता हूँ। मतलब मैं बताऊंगा, मैं पूरे टापी एरिया में बाल लगवा दूँ। कौन सा एरिया बोलते हैं टापी क्षेत्र की बात? जी ब्लॉक, ई ब्लॉक की टापी या सी ब्लॉक की टापी या टापियों में क्या नल है? नल कनेक्शन दिए नगर पालिका है ना, तो नल कनेक्शन दिए तो वहाँ स्टोरेज की